क्या आप जानते हैं हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? पतंगबाजी के लिए, या गजक के लिए, या फिर तिल के लड्डू के लिए? नहीं, मकर संक्रांति का सारा श्रेय जाता है अपने सूरज चाचू के पास। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन जा रही है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर से जो अपर पार्ट है अर्थ का, उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। वहीं इक्वेटर से जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा, उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ हम इक्वेटर से जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें इन तीनों लाइनों को ध्यान में रखना है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हमारा प्यारा भारत है वो कहां लाई करता है? वो भी नदर हेमिस्फेयर में लाई करता है। नाउ हम लोग रहते हैं इंडिया में और इंडिया पड़ता है नदर हेमिस्फेयर में। तो नदर हेमिस्फेयर में समर्स कब आते हैं? जब सन जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है नदर हेमिस्फेयर में, या ये हम बोलेंगे कि सन की रे ज्यादा पड़ती हैं नदर हेमिस्फेयर में, जिस कारण से नदर हेमिस्फेयर में समर्स आ जाते हैं और वहीं सदर हेमिस्फेयर में विंटर्स। नाउ जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है तो अर्थ की पोजिशन चेंज हो जाने के कारण उस टाइम बाद सन जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर में, यानी सन की रे ज्यादा पड़ेंगी सदर्न हेमिस्फेयर में, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फेयर में तो समर्स आ जाएंगे और वहीं नदर्न हेमिस्फेयर में इंडिया वाले पोर्शन में विंटर्स आ जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जून के महीने में सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन में आएगी गर्मियां, यानी हम कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर में आएंगे समर्स जून के टाइम पे, और वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में आएंगे विंटर्स। जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ते जाएगी कुछ टाइम बाद सन परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर के, यानी सितंबर के मंथ में सन परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर के। कुछ टाइम बाद और सन परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी दिसंबर तक सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फेयर में तो समर्स आ जाएंगे लेकिन वहीं नदर्न हेमिस्फेयर यानी इंडिया वाले रीजन में विंटर्स। तो सन की लाइट एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक शिफ्ट होती है और वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाती है, और ये साइकिल साल दर साल चलता रहता है। तो जिस दिन सन वापस नदर्न हेमिस्फेयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट होता है उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर में इस दिन का विशेष महत्व है और हर साल इस दिन ठंडी खत्म होने और नई फसल की कटाई की खुशी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है और हम इसे उत्तरायण त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो की जाती है वो है पतंगबाजी। इंडिया के मैक्सिमम हिस्सों में इस दिन पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूपी में इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं, वहीं पंजाब में मकर संक्रांति से एक दिन पहले इसे लोहरी के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में यही पोंगल नाम से मनाया जाता है और असम में भोगली बिहू नाम से मनाया जाता है। तो हमने देखा मकर संक्रांति में अपने सन का कितना रोल है, तभी तो हम इन्हें सूरज चाचू कहकर बुलाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें।